नाखून का प्रयोग करके आप किसी का वशीकरण भी कर सकते हैं और नाखून का प्रयोग करके ही आप अपने मनोरथों को भी पूर्ण कर सकते हैं। आज मैं इस एपिसोड के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा उपाय जिसका प्रयोग करने के बाद दुनिया आपके तलवे चाटेगी, कोई भी आपका ऐसा काम नहीं होगा जो पूरा ना हो। साथियों, आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए एपिसोड को आपने पूरा देखना है ताकि जो जानकारी हम आपके लिए लेकर के आते हैं वो जानकारी अच्छी तरह से आपके समझ में आ सके और हमारा भी एपिसोड बनाने का जो उद्देश्य होता है वो सफल हो सके। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार। मैं पंडित नीति शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर स्वागत करता हूँ। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। पिछले लगभग 9 या 10 दिन हो चुके हैं चैनल पर कोई भी वीडियो नहीं आ रहा था। उसका कारण आप सभी लोग जानते हैं कि अभी माता रानी के नवरात्रे पूर्ण हुए हैं, जिनके कारण पूजा पाठ का काम बहुत ज्यादा था, जिसके कारण हम आपके लिए जो डेली का एपिसोड था वो लेकर नहीं आ पा रहे थे। तो जैसे ही कल हम फ्री हुए, आज हम आपके सामने प्रस्तुत हैं एक नए एपिसोड के साथ। तो एपिसोड को शुरू करने से पहले सभी भक्त कमेंट में जय माता की जरूर लिख दें। तो चलिए अब आज का अपना जो एपिसोड है इसे शुरू करते हैं। जयकारा शेरों वाली का, बोलिए साचे दरबार की जय। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ नाखून काट कर आपने कहाँ पर डालना है जिससे आपके जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो, आपकी जो डिजायर है, आपका जो कार्य है वो पूर्ण हो। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, अक्सर हमारे शरीर के जो हिस्से हैं लाइक जैसे नाखून या बाल हो गए, इन चीजों का जो प्रयोग होता है वो प्रमुखता से जो होता है वो तांत्रिक क्रिया में इनका प्रयोग होता है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ स्वयं सहायता के लिए अगर आप इस उपाय को करना चाहते हैं तो किस प्रकार से इस उपाय को आपने करना है। बुधवार के दिन आपने सुबह के टाइम अपने नाखून को काटना है। उसके बाद अपने नाखून को आपने एक बड़ के पेड़ के पास, यानी कि जो बरगद का पेड़ होता है, वहां पर उन नाखूनों को लेकर के जाना है। वहां पर थोड़ी मिट्टी आप खोद लें और जो आपके कटे हुए नाखून है वहां पर आप डाल दें, ऊपर से मिट्टी में उनको दबा दें। ये कार्य आपने करना है बुधवार के दिन। एक महीने में एक बार ही ये उपाय आपने करना है। जैसा कि आपको पता है कि जो एक बरगद का पेड़ होता है जिसको बड़ का पेड़ कहते हैं, उसकी जड़ें धरती के अंदर बहुत ज्यादा दूर तक फैली रहती है, उसी तरह से जब आप अपने नाखून को वहां दबाएंगे तो अपनी मनोकामना का ध्यान करके आपने उनको वहां पर दबाना है। जितनी तेजी से जो बड़ की जड़ें बढ़ती हैं उतनी ही तेजी से जो आपकी मनोकामना है, जो आपने अपने मन में ध्यान किया था, वो मनोकामना आपकी शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होगी। देखने में भले ही एक ये साधारण सा सरल सा उपाय आपको जान पड़ रहा है, लेकिन जब आप इस उपाय को करेंगे तो साक्षात 10 से 15 दिन के भीतर इसके रिजल्ट आपको देखने को प्राप्त हो जाएंगे। अगर आपका कोई शत्रु है जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, उस शत्रु का नाम लेकर के भी आप अपने नाखून को वहां पर दबा सकते हैं। आपका विदेश का योग नहीं बन रहा है तो उस मनोकामना का ध्यान करके भी उनको आप वहां पर दबा सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं आप सभी भक्तों को आज का ये उपाय बेहद पसंद आएगा। इस उपाय को आप करेंगे और आपका भी काम जल्दी जल्दी जरूर बनेगा। अगर आज के एपिसोड से जुड़ा हुआ आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना वह प्रश्न पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए जय माता जी।